लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में SIT ने कोर्ट में करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। SIT ने 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है। तो वहीं इस चार्जशीट में जांच टीम ने एक आरोपी वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी शामिल किया है। वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत मिटाने की साजिश करने का आरोप है और वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का रिश्तेदार बताया जा रहा है। चार्जशीट में धाराएं जो पहले चेंजेस हुए थे, धाराएं सिर्फ वही हैं, एक धारा और बढ़ाई गई है IPC 201 और एक नाम बढ़ा है वीरेंद्र कुमार शुक्ला का। बाकी जो FIR में हमारा एक नामजद नहीं हो पाया था, नाम अजय मिश्र टैनी का, क्योंकि तहरीर में उनका नाम था और उसके बाद जो है उनको नामजद नहीं किया गया था। इस संबंध में हमने DGP को प्रार्थना पत्र भी दिया था कि हमारा जो नाम है अजय मिश्र टैनी का, हमने FIR की तहरीर में दिया है, लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया। तो हमारी उम्मीद ये थी कि शायद उनका नाम इस चार्जशीट पर इस बार आना चाहिए, लेकिन वो नाम नहीं आया। SIT टीम ने 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर कर दी है। अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। वीरेंद्र शुक्ला पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई है? क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई? किस मामले में? 219। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक, अच्छा कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? ये क्या 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 धारा लगी क्या उन पे? गौरतलब है कि घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी थी। नियम के अनुसार घटना के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दायर नहीं किए जाने की स्थिति में आशीष मिश्रा को जमानत मिल सकती थी। हालांकि पुलिस ने इससे पहले ही चार्जशीट दायर कर दी है, इससे अब आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। इससे पहले SIT ने भी अपनी जांच में आशीष मिश्रा को घटना का मुख्य आरोपी बताया था। पंजाब केसरी TV के लिए लखीमपुर खीरी से शरीक खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।